हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहबाज़ खान। दोस्तों आप सब कैसे हो? आप खैरियत से हैं तो हम भी बहुत बहुत खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, बस बहुत अच्छे हैं हम। तो दोस्तों मैं ये बात बोलने के लिए आपके सामने आ चुका हूँ कि मेरे व्लॉग्स कई दिनों से नहीं आ रहे। मैं भी कामों की वजह से व्लॉग शूट करना नहीं हो रहा। मेरे व्यूवर्स है, मेरे जो भी चाहने वाले, मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेरे भाना बहना भाया सब लगा पूछ रहे थे कि क्या हुआ भाई, वीडियो कहीं को नहीं आ रहा, कहीं को इनएक्टिव हो गए यूट्यूब में, व्लॉग क्यों नहीं शूट कर रहे। हम लोग डेली देख रहे आप लोग आपका व्लॉग। तो दोस्तों आप लोगों से बस यही बात बोलने के लिए आप लोगों के सामने आ चुका हूँ मैं। ये मेरा मुर्गा है, जब से बांग दे रहा। तो ये बात बोलने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा और मैं वीडियोस क्यों नहीं शूट कर रहा हूँ, रायपुर रॉक्स में शूटिंग क्यों नहीं हो रही है और रायपुर रॉक्स में वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। अगर इस बात को आप जानना चाह रहे तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों बहुत दिन से क्या हो रहा बोले तो, मैं इनएक्टिव होने का वजह क्या है बोले तो, रायपुर रॉक्स में तो कोई नहीं है मेरे साथ में काम करने के लिए। एक अमान थे और आसिफ थे। अब ये मौसम तो धुपकाला है, जिसके जिसके कामों में उन लोग बिजी बिजी हो गए और मेरा भी व्लॉग शूट करने का था। तो मैं भी एक क्या बोलते हैं मुर्गियों का एक यहाँ पे छोटा सा एक फार्म लगाया, मगर वो फार्म का भी मैं वीडियो शूट करने वाला था और वो फार्म का वीडियो इस वजह से नहीं शूट कर पाया कि मैं जैसा मैं एक 150 मुर्गियाँ छोटे छोटे गांवों को जाके खेड़े गांव से ले लेके आ गया था। तो वो ऐसा लाते वक्त वो कोसी मुर्गी को, लाइक कोसे बर्ड को वो बीमारी थी, एक वायरस था। वो डॉक्टरों से पूछ के मालूम करा था, वो मेरे को नहीं, मेरे मुर्गियों को नहीं, सॉरी, बाकी के जो जो भी फार्मा वाले पोल्ट्री वाले रहते ना, सब लोगों का सिचुएशन सेम मेरे छोटे फार्म में भी वही हुआ है। क्या हुआ बोले तो, एक बीमारी एक मुर्गी की पूरे मुर्गियों को फैलते गई, वो वायरस था कहते। तो ये सीज़न है तो मेरे को ये मुर्गियों के बारे में उतना नहीं मालूम था, मालूम था मगर कब की करे सो है ना। तो मैं डाक फार्म करा था, मेरे को वो तो मालूम है क्या 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 वैक्सीनेशन देना है और कौन से मौसम में कौन सी बीमारी आती बोलते, सो वो मालूम था। मगर यहाँ पे क्या हुआ बोले तो, जैसा मैं 100 150 हो गए वैसा बीमारी शुरू हो गई। अब वहाँ पे व्लॉग निकालने का तो टाइम नहीं ना, असल मेरे को घर में अच्छा खा के लेटे सोती भी सुकून नहीं थी, क्योंकि पैसा लगा है ना भाई, उतना बड़ा फार्म शुरू करे मतलब 150 मुर्गियों का, वैसे का एक के बाद एक ऐसा मरते रहे तो अच्छा नहीं दिखा, लेके जाना फेंक देना, फिर उसको ट्रीटमेंट कराना, दूसरे मेडिसिन लाना, डॉक्टरों को कंसल्ट होना। यहाँ पे एमजीएम के पास एक अपना हाइबानों का हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाना, वहाँ मैडम से बात करना और वही मेडिसिन फिर लेके आना, वो मेडिसिन लेके आना, फिर उसको ट्रीटमेंट करना, वो शाम तक रहना, फिर मर जाना, ऐसा बहुत हुआ मेरे साथ। तो एक कैसा वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मगर बहुत सीरियस सिचुएशन था। तो वो 150 भी नहीं, वो 150 में करीब करीब 50 मुर्गियाँ बचे। तो आप लोग ही सोच लो, एक एक मुर्गी 350 से 400 रुपये तक थी, 450 भी डाल के लाया था। कहीं बोले तो मेड़ाराम का सीज़न था जब देसी मुर्गियों का बहुत सारा डिमांड था। तो अब मेरा सिचुएशन वो मुर्गियाँ पालते सवालों कुछ मालूम है, पोल्ट्री लगा सवालों कुछ मालूम है मेरा सिचुएशन। तो ऐसा क्या हुआ, मुर्गियाँ मरते गए, मैं परेशान, मेडिसिन्स बोल के ट्रीटमेंट बोल के, फिर ना फिर आने में मेरा टाइम पूरा दिन पूरा खाली चला जाता था। अब ये मोमेंट में तो ब्लॉग कैसे शूट करते वो आप लोग ही सोचना। तो दोस्तों ये तो ब्लॉगों का सिचुएशन है, और एक एक तो रायपुर रॉक्स का तो आप लोगों को बोल दिया कि मेरे साथ कौन नहीं काम कर रहे, और मैं बहुत सारे वीडियोस में भी ये बोला कि किसी को भी इंटरेस्ट है तो आप लोग आके कर सकते। मोनेटाइजेशन तो जैसा ऐसा जा रहा था फिर ऐसा कम हो जा रहा, क्योंकि उसमें इनएक्टिव होने के वजह से व्यूज़ कम हो जा रहे, व्यूज़ कम होने के वजह से वॉच टाइम भी कम हो जा रहा। इस वजह से
वो चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा। सो किसी को तो भी इंटरेस्ट है तो इसमें भी बोलने का नहीं, मगर बोल दे रहा। रायपुर वर्क्स में अगर किसको तो भी करने का जुनून है, इंटरेस्ट है, विदाउट मनी, मनी मोनेटाइजेशन ऑन हुए बाद पूरे पैसे आप ले लेते हो भी कम नहीं है, मगर चैनल को मोनेटाइजेशन करके एक लेवल में लेके जाना, वैसा कोई इंटरेस्ट है तो इंशाल्लाह मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शहबाज खान 856। तो दोस्तों बस इतना ही, मेरा सिचुएशन क्या है आप लोगों से शेयर करना था, और वीडियोस क्यों नहीं आ रहे भी आप लोगों को बताना था। ये रीज़न था भाई मेन, तो मैं वो फॉर्म लगाया वो तो बस मेरे मेरे सर्किल तक इस माल में, जहाँ तक मेरी छोटी छोटी सर्किल है वेटनरी ग्रुप में। 2011-12 में मेरा वेटनरी इंटरमीडिएट हो गया डेयरी। सो उन लोगों को भी कई को मालूम हुआ, बोले तो ये ट्रीटमेंट कैसा करना, ट्रीटमेंट में कौन सा मेडिसिन देना और कौन सी डिसीज़ का पहचानत कैसा करना बोलते। सो वैसा कॉल करने की वजह से मैं लगाया बोल के सब लोगों को मालूम हो गया। और इंशाल्लाह ऐसे ही कभी वक्त मिला तो मैं इंशाल्लाह निकालता रहूँगा, डेली तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अब हर एक जगह एक प्लान कर रहा हूँ, बिजनेस के तौर में ही जा रहा हूँ, क्योंकि अब ये सिचुएशन में जाके मैं बाहर काम करे जैसा भी नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब ही मेन समझा भाई, मेन मेन मेरा फोकस तो यूट्यूब ही था। मगर अब यूट्यूब साइड क्यों हुआ बोले तो इसमें मोनेटाइजेशन आने हो रहा। एक तो ये है भाई, वो वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे और वास्ट टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, 1 ईयर अब इसके पीछे लगाना बोले तो नहीं होता, क्योंकि फैमिली भी है ना, तो मैं या फैमिली को भी देखना है और यूट्यूब भी देखना है बोले तो नहीं होता, क्योंकि अब आजकल का ज़माना तो बहुत सब कुछ पैसों से चलता। अब जब पैसे नहीं रहते तो सिचुएशन अच्छा नहीं रहता ना, तो मैं किसको भी फोर्स नहीं कर सकता कि भाई मेरा वीडियो शेयर करो, ये मेरा वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, व्यू करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। इतने बार बोला, जितने बार मैं वीडियो में भी नहीं, कहाँ दोस्ता मिले तो उन लोगों को बोलना, कहाँ दो क्या बोलते कोई रिलेशन मिल गए, कोई पहचाना तो वाले मिल गए तो उन लोगों से भी यही बोलता, भाई थोड़ा देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा बोलने से तो नहीं होता, क्योंकि एक एक ना एक दिन एक वीडियो वायरल होना तो जब ही यूट्यूब में फेमस होने के चांसेस है। ये 2-3 साल से तो भाई लगातार यूट्यूब पे ही टाइम पूरा स्पेंड करा, अब आगे करना है या नहीं करना आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि आप लोग अगर चाहे एक दिन भी, एक ही दिन में यहाँ, अब तो यहाँ हूँ, कल क्या कहाँ पे रहता नहीं मालूम, वैसा आप लोग कर सकते हैं, मगर देखेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही करता रहूँगा। अगर किसी को तो भी पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करे, और भाई एक मेरे तरफ से आप लोग, आप में कोई भी मेरा वीडियो एक यूट्यूब चैनल वाले देख रहे तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, कोई बोल तो यूट्यूब चैनल बोलो तो छोटे चैनल, उन लोगों से एक बात बोल रहा हूँ कि भाई छोटा चैनल है स्टार्ट करे तो पैसों के लिए ना करो, जुनून ऐसा लगा उसके पीछे कि 6 मंथ्स या 1 ईयर पक्का लगा लो, डेली कंटेंट चेंज करते रहो, जो ट्रेनिंग कंटेंट है अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहो। इंशाल्लाह मैं भी फूड का कंटेंट देने वाला था, फूड का व्लॉग शूट करने वाला था, मगर अब समर हो गया, इंशाल्लाह अगर समर एंडिंग तक भी ट्राई करूँगा कि मेरे चैनल पे डेली फूड के व्लॉग्स आते रहेंगे। और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अगर हुआ तो धुपकाले के बाद मैं फूड के भी कंटेंट्स और व्लॉग्स शूट करता रहूँगा, और छोटे यूट्यूबरों को मेरे तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई 4 दिन के लिए यूट्यूब खोलना, 4 लोगों को शेयर करना वैसा ना करो, बस जुनून से काम करो, और जो जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो मोहब्बत से करो और ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के करो। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज़रूर से ज़रूर शेयर करना भाई, मैं भी जितने लोगों को हो सका उतने लोगों को शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह कल मैं तो ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ कल का कंटेंट। जो मेरा खरगोश था ना वो बच्चे दिया, एक नहीं दो नहीं पूरे 7 दिया, उसमें से एक मर गया और 6 एक खरगोश दिया, 3 क्या कि और एक एक खरगोश दिया, वो अपडेट क्या है कि मैं इंशाल्लाह कल दूंगा। और चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में गुजारिश। और भाई और मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, घर धुपकाला है, बाहर न को जाओ ज़्यादा, जितना काम है उतना काम कर लेके घर को आके खा के सो जाओ। अल्लाह हाफिज़।